मप्र में स्कूल बंद की खबर। स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश, हरियाणा, दिल्ली, अब एमपी की बारी। भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए साल के पहले दिन संबोधन में कहा कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर आ गई है, प्रदेशवासी सतर्क रहे, इसका मुकाबला जनसहयोग से करना है, आवश्यक व्यवस्थाएं बना ली गई है, कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुरूप व्यवहार करना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना है, रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को एक महीना पहले कराने का निर्णय लिया है। अगर हम 12वीं कक्षा की बात करें तो यह परीक्षा 17 फरवरी 2022 सेकंड और 10वीं कक्षा की परीक्षा 18 फरवरी 2022 सेकंड कराए जाने की संभावना है। पूरे देश में कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मध्य प्रदेश बोर्ड ने सुरक्षा प्रबंधों के साथ परीक्षा आयोजित कराने की बात कही है। इस बोर्ड परीक्षा में लगभग 18 लाख विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। अगर अलग अलग मीडिया स्रोत से मिली जानकारी की बात करें तो छात्रों के लिए वैकल्पिक परीक्षा परिणाम जारी किए जाने के लिए बोर्ड की ओर से निर्देश दिए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड ने यह भी सुनिश्चित किया है कि अगर किसी कारणवश कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण परीक्षा रद्द करनी पड़े तो छात्रों का रिजल्ट कैसे बनेगा। बोर्ड ने कहा है कि यदि ऐसा होता है तो छात्रों द्वारा दी गई तिमाही और छमाही सहित प्री बोर्ड परीक्षा के आधार पर छात्रों का रिजल्ट जारी किए जाएंगे।